हाउ टू फिक्स जेड आर्चीवर रीनेम प्रॉब्लम। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप जेड आर्चीवर में कुछ भी रीनेम वगैरह करने की कोशिश करते हैं तो जेड आर्चीवर में रीनेम हो नहीं रहा, रीनेम की इश्यू आती है एंड्रॉयड 13 प्लस के अंदर या फिर 13 के अंदर, तो कैसे आपको रीनेम करना है वही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक वॉच कीजिए और अच्छी वीडियो लगने पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो बहुत से लोगों को बहुत सारी दिक्कत है कि रीनेम से रिलेटेड इशू या फिर रीनेम से रिलेटेड प्रॉब्लम है एंड्रॉयड 13 के अंदर, तो इस वीडियो में आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा क्या करना है और कैसे इसे ठीक करना है। तो सबसे पहले तो अगर आपको एंड्रॉयड मतलब फोल्डर में अगर ये दिक्कत आती है या फिर जेड आर्चीवर में कहीं पर भी ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो क्या क्या करना है। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आपको जेड आर्चीवर में आएगी तो इसके लिए आपको जेड आर्चीवर बंद कर देना है और आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद ओपन योर फोन प्ले स्टोर, ओके, देन यू नीड टू सर्च हियर। सर्च करना है आपको ऊपर की तरफ, यहाँ पे लिखना है आपको फाइल मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे हम यहाँ पे फाइल मैनेजर लिखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे फाइल मैनेजर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर पर जो फाइल मैनेजर ऐप दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ये रहा फाइल मैनेजर, आपको अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर लेना है एंड इसके थ्रू आपको जो है अपने फाइल को रीनेम करना है, ठीक है। फाइल मैनेजर के थ्रू आपको यूज़ करना है इस एप्लीकेशन को। यू नीड टू यूज़ दिस एप्लीकेशन फाइल मैनेजर टू रीनेम एनी फाइल और एनी ऑफ दैट यू वॉन्ट टू रीनेम, ओके। तो जो भी रीनेम करना है आपको फाइल मैनेजर इस ऐप के थ्रू आप जो है रीनेम करेंगे और इसके थ्रू आपका 100% रीनेम सक्सेसफुली हो जाएगा। चाहे आपके पास कोई भी डिवाइस हो, कोई भी आपका वर्जन हो एंड्रॉयड का, आपका जो है फाइल मैनेजर ये एप्लीकेशन जो है रीनेम करने में हेल्प करेगा। इट्स हेल्पिंग यू फॉर ए रीनेमिंग एनी फाइल और मे बी यू नीड देन यू कैन एक्सट्रैक्ट यूजिंग जेड आर्चीवर। सो यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर ऐप का यूज़ करना है एंड देन आप जो है जेड आर्चीवर से उसको एक्सट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।